हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर व्लॉग। माफी चाहते हैं, अगेन 12 दिन हो गए हैं व्लॉग ही नहीं शूट किया है। वेट कर रहे होंगे आप उसके लिए माफी, लेकिन अब फिर से कंसिस्टेंसी के लिए मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली होता क्या था, मेरा काम बहुत लेट खत्म होता और तब तक ही जो उजाला है ये चले जाता है यहाँ पर। सो आज का व्लॉग में जो है हम दोस्तों चलने वाले हैं रियल इस्टेट एजेंट्स के पास, मतलब पास में नहीं जाएंगे, बाहर से उनके वॉल्स पर प्राइजेस लिखे रहते कि अपार्टमेंट्स यहाँ पर कितने के मिलते। अगर आप सोच रहे हो कि यार कल को मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, पढ़ाई कर लूँगा, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद जॉब अच्छी लग जाएगी, तो एक ऑब्वियसली अपार्टमेंट खरीदने का भी प्लान आपका बनेगा। तो अभी से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर प्राइजेस कैसे होने वाले हैं। अभी अगर यहाँ के हम रियल इस्टेट की मार्केट की बात करें तो स्टेबल ही है, ऐसा कोई अप एंड डाउन ज़्यादा तो नहीं होता है। जो रेंट है हम खुद ही अगर देखे जाए तो इस सिटी में, जहाँ पर मैं आज आपको जो है ना कैसीनो सिटी के बारे में बताने वाला हूँ मेजरली, और जो रोम, मिलान, वेनिस, ये सिटीज़ के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते थे, यहाँ पर घर लेना और ज़्यादा मुश्किल होता है। और यू नो ऐसे इटली के दोस्तों कई एबेंडेंट विलेजेस भी है सिचिली के पास में, वहाँ पर दोस्तों आपको पता है घर जो आपको है 1 यूरो में मिल सकता है। कुड यू बिलीव इट, मतलब ऐसी भी जगह है यहाँ पर, लेकिन उनकी काफ़ी शर्तें होती, टर्म्स एंड कंडीशन होती कि आपको जो है वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उस घर का, और वहाँ पर कुछ कमर्शियल ओपन करना पड़ेगा। अब भाई जंगल में जहाँ से लोग सारे छोड़ के चले गए हैं, वहाँ पर 1 यूरो लगा के फिर 20-25 हज़ार यूरो, मतलब 20-25 लाख रुपए लगा के आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और आप जो कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट भी करोगे तो आएगा कौन खरीदने के लिए, वो प्रॉब्लम है। यहाँ पर दोस्तों इटली में काफ़ी ऐसी विलेजेस हैं जो खाली होते जा रही है, वहाँ के लोग मूव होते जा रहे हैं टू बिग सिटीज़, तो उसी की वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो चलो आज तो हम दोस्तों जो है मेरी सिटी कैसीनो के जो है आपको प्राइस दिखा देते हैं, तो चलो चलते हैं। ये जो बैक साइड पर दोस्तों आपको दिख रहा है ना, ये एक स्कूल है, और स्कूल में क्या होता है जब, और पीछे ही यहाँ पर जो है ये अगर दिख रही, रुक जाओ मैं आगे से थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, स्कूल है और स्कूल के सामने ही ये बहुत बड़ी सी इसकी सिटी पार्किंग भी कह लो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर ये देख रहे होंगे आप, ये ब्लू ये पार्किंग्स होती है, बट इतनी पार्किंग्स नहीं होती, कार ज़्यादा होती है, तो उसके कारण ऐसी सिटीज़ में बड़ी बड़ी पार्किंग्स बनी होती है। तो स्कूल की बात कर रहा था मैं बच्चों की, तो स्कूल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हम बैग्स ऐसे लेकर चलते हैं ना, यहाँ पर स्कूल के जो बच्चे हैं उनके पास जो बैग्स है दोस्तों वो बहुत अलग तरीके के होते हैं। अलग कैसे, वो ट्रॉली वाले बैग्स होते हैं उनके पास में। स्कूल में भी बच्चे जो हैं यहाँ पर वो ट्रॉली बैग्स लेकर आते थे, ये एक बड़ा ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए खुद को देखना। काफ़ी इजी होता है, एक्सेसिबल होता है, तो शायद इसी के लिए लेकर आते होंगे। जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो अगर ये ऐसे साइंस आपको दिखेंगे, वेंदेसी लिखा हुआ दिखेगा, तो समझ जाइएगा कि अपार्टमेंट फॉर सेल है। सो मेरे घर के पीछे ही दोस्तों रियल इस्टेट एजेंट था, और मैं कहाँ कहाँ घूम के आ गया ये व्लॉगिंग के कारण। अच्छा, तो ये जो शॉप दिख रही होगी पीछे, ये फ्यूरी तुत्तो लिखा है ब्लू कलर में, यहीं से मैंने ये जैकेट खरीदी थी जैक एंड जोन्स की, सिर्फ 20 यूरो में, क्योंकि वहाँ पर जो 70% ऑफ चल रहा है तो उसकी वजह से मेरे को बहुत कम प्राइस में मिल गई थी। तो इधर है अपार्टमेंट्स, थोड़े बहुत मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ पहले। सो दोस्तों अभी जो है हम ये प्रीमियम कासा एजेंसी पर आए हैं, और यहीं पर जो है मैं थोड़े बहुत आपको प्राइजेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी इसके सारे काफ़ी सारे फ्लैट्स, ये बाहर ही जो है प्राइजेस इनके डिस्प्ले कर देते हैं, तो अंदर जाके बात करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, पहले ही पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है आगे चलते हैं, ये वाले कॉर्नर पर देखते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो अफितो लिखा होता है ना, अफिता लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है टू रेंट, और वेंडे मतलब होता है फॉर सेल। तो हम फॉर सेल वाले देखते हैं मोस्टली, तो जैसे ये वाला 179,000 यूरोज़ का। अच्छा एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में जो है मीटर, इंडिया में जो है हम स्क्वायर फीट से खरीदते हैं या बीघा से खरीदते हैं, यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर से सेल किया जाता है। तो ये देखो प्राइसेस, आप 136 मीटर स्क्वायर का 179,000, 57 मीटर स्क्वायर का 65,000, मतलब ये वाला 50 लाख के आसपास रफली हमें पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इनके प्राइजेज डिफरेंट डिफरेंट, और रेंट जो है, जैसे यहाँ पर ये छोटा वाला अपार्टमेंट है तो इसका रेंट है 370 यूरो पर मंथ, ये वाले का भी 350 यूरो, 500 यूरो इसका है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लग्जरी, क्या क्या यूटिलिटीज़ है उसके हिसाब से। अच्छा मैं ये देख रहा था, और सबसे महंगा वाला जो विला है, विला अगर देखें तो ये देखो, ये रहा, ये करीबन 2.5 CR का विला होने वाला है, क्योंकि 1,005 मीटर स्क्वायर का है, और ये ऐसा दिख रहा है कुछ फोटो में। तो ऐसे काफ़ी सारी, जैसे अफिता तो मतलब ये हो चुका है, इसका ऑलरेडी रेंट पर जा चुका है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे ये वाला समवेयर अराउंड 1 CR का होगा, 1,20,000 यूरोज़ का। तो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है, और भी काफ़ी सारे यार, मतलब यही रेट है। तो मतलब इस शहर में तो आप कम में परचेस कर सकते हो, यहाँ पर शुरुआत जो है ये 50 लाख से फ्लैट की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, आप देख लो। इससे कम का मुझे तो अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी देखे तो भी कम का नहीं दिख रहा है, सब महंगे ही है।
हाँ जी यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखें तो ये तो फोटोज देख रखे, ये भी फॉर सेल है। जैसे ये 1.5 CR का है, और ये कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा प्राइस, मैंने बता दिया आपको, ये सेल हो गया, नीचे वाला सोल्ड है। ये दोस्तों ऐसी ही काफ़ी सारी एजेंसीज हैं यहाँ पर जिनके सबके प्राइजेस बाहर ही लगे रहते हैं, ये बेस्ट पार्ट है यहाँ पर, ये पहले डिस्क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने कैसीनो का तो आपको बता दिया कि भैया 50 लाख से आपका जो है ये कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एक अपार्टमेंट की, जो कि छोटा अपार्टमेंट होगा, स्टूडियो अपार्टमेंट होने वाला है। और अगर जैसे ही बड़ा लेते जाओगे और लग्जरीस लेते जाओगे तो शायद 1.5 CR 2 CR तक भी पहुंच सकता है। विला लेने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको 2 CR 3 CR के आसपास का जो है वो कॉस्टिंग करने वाला है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉस्टिंग होती है यहाँ पर अपार्टमेंट्स की। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मैं अभी प्राइसेस बता रहा हूँ ये कैसीनो सिटी के हैं। अगर आप मिलान, नेपल्स, रोम, वेनिस जैसी सिटी से कंपेयर करोगे तो यहाँ के प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, और मैं बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं रियल इस्टेट में नहीं हूँ इतना, तो इतने ज़्यादा प्राइजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डबल ट्रिपल तो आप मान ही लो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी अफितासी लिखा है, मैंने बताया था ना आपको, अफितासी का मतलब होता है रेंट पर, तो रेंट पर देना है शॉप भी। तो रेंट जो है 350 स्क्वायर मीटर सबसे छोटे अपार्टमेंट्स का नॉर्मली यहाँ पर 600 के आसपास रहता है, और वहीं अगर रोम मिलान से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर एक अपार्टमेंट का जिसमें 2 या 3 बेडरूम्स होंगे तो उसका 1200 के आसपास आराम से रेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी तक आपको प्राइजेस बताए हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे टैक्सेस और फीस होती है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये सारे टैक्सेस भी पे करने होते हैं। तो अपार्टमेंट खरीदना यहाँ पर सिर्फ प्राइस से मत कंपेयर कर लेना, उसके ऊपर और भी कॉस्ट होती है। यहाँ पर ऑब्वियसली आप खुद तो जाके खरीदोगे नहीं, आप एक लॉयर को हायर करने वाले हो या रियल एस्टेट एजेंट को हायर करोगे तभी जाके आप जो है उसके थ्रू खरीद पाओगे, तो उनकी फीस भी ऐड होती है इसमें। तो अब जो है आप अपने सपनों का घर इटली में भी खरीद सकते हैं। काफ़ी जो है ब्रिटिशर्स या फॉरेनर जो है वो खरीदते हैं घर यहाँ पर, और कहाँ कहाँ पर, जैसे आप सिचिली में खरीदते हैं, लोम्बाडी रीजन में खरीदते हैं, लेक कोमो के आसपास, और जो है सार्डिनिया में खरीदते हैं, ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस है जहाँ पर अपना ये रिटायरमेंट प्लान करते हैं, बीचेस के पास में, सी के पास में, माउंटेंस के पास में, और ऐसी जगहों पर खरीद के अपना जो रिमेनिंग लाइफ है वो बढ़िया तरीके से इंजॉय करते हैं। तो मुझे बताइएगा आप कब अपना घर खरीदने वाले और कौन सा खरीदने वाले, ये 1 लाख यूरोज वाला या सिर्फ 1 यूरो वाला। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, आई होप कि ये हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, ऑल द बेस्ट।